जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कपिल यादव। आप देख रहे हैं फोर्स एकेडमी फिजिकल। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जनरल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर। अब ये जनरल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप घर पर बिना इक्विपमेंट के, आपको जिम में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस जनरल ट्रेनिंग से आपको जो फर्क पड़ने वाला है वो होगा आपके पुलअप्स और आपके पुशअप्स पे। आप बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगे इस ट्रेनिंग से। आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना है एक बेसिक मतलब कि वेट ले लेना है। वेट में आप ईंट भी ले सकते हैं, अगर आपके पास वेट है, एंकल वेट है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें क्या करना है, आपको 16 टाइम आपको ये एक्सरसाइज करना है, बटरफ्लाई करना है ऐसे, और 16 टाइम तक ये करना है, और फिर 16 सेकेंड आपको होल्ड करना है। दोस्तों ये आपके जो शोल्डर्स है इस पर वर्क करेगा। आपको ये वर्कआउट है स्टार्ट में आसान है, लेकिन आप जब होल्ड करेंगे तो आपको लगेगा, आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये वर्कआउट भी हमें करना चाहिए। तो ये अब 16 सेकेंड आपको होल्ड करना है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ओके, नेक्स्ट। अभी इसके बाद फ्रंट आपको चलाना है। फ्रंट से मतलब कि आपका पूरा मसल्स वर्क करेगा इसमें, और आपको 16 टाइम फिर से आपको यही करना है। आप इसकी जगह अगर आपके पास एंकल वेट नहीं है तो आप नॉर्मल आप वेट कोई भी ईंट ले सकते हैं, पत्थर ले सकते हैं, इक्वल वेट होना चाहिए। आप इक्वल वेट लें और फिर से होल्ड करेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। चेंज, फिर से आप वर्कआउट आपके स्ट्रेट होगा, मतलब कि शोल्डर्स पूरे कम्प्लीटली हम वर्कआउट बता रहे हैं आपको। जनरल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ये, आपके पुशअप्स और आपके पुलअप्स में ये काफ़ी फर्क, मतलब कि आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है इन वर्कआउट से। तो आपको ये भी 16 टाइम करना है, ईच वर्कआउट 16 टाइम रहेगा, और 16 टाइम आपको होल्ड करके रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ओके, नेक्स्ट वर्कआउट रहेगा आपका साइड सिंगल हैंड शोल्डर, और इसमें आपको जैसे कि आप डम्बल से लगाते हैं जिम के अंदर, तो इसमें वेट आपका एंकल वेट वही वर्क करेगा। आप ऐसे करिए, देखिए ये सिंगल हैंड से करना है। इस बार सिंगल हैंड से आपको होल्ड करके रखना है, फिर से 16 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ओके, नेक्स्ट हैंड आपका दोस्तों ये जो वर्क है आपका शोल्डर वर्क है, देखिए पूरा प्रेशर आपका जो एंकल वेट का है वो पूरा प्रेशर आपके शोल्डर्स पे आ रहा है। तो ये जो जनरल ट्रेनिंग है ये आपको करना चाहिए, इन जनरल ट्रेनिंग से आपको काफ़ी फायदा मिलता है। हालांकि होती बहुत सिंपल सिंपल सी एक्सरसाइज है, लेकिन इनसे वर्क बहुत अच्छा होता है। फिर से होल्ड कर रहे हैं, और ये आपको दोनों हैंड से करना है, आपको 16 टाइम करना है, और 16 टाइम तक आप काउंट करें और होल्ड करके रखें ऐसे ही। नेक्स्ट, अब दोनों हैंड फ्रंट मतलब कि जो हम बाइसेप्स लगाते हैं, देखिए इसमें कोई भी जिम इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाइसेप्स की तरह आपका पूरा हैंड मूवमेंट है, मतलब कि अपर बॉडी वर्कआउट है, पूरा शोल्डर से लेकर हैंड पूरे आपके वर्क कर रहे हैं, और आपको इसमें कोई डम्बल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप घर पर आसानी से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगेन होल्ड करें, हर एक्सरसाइज के बाद आपको होल्ड करना है, और ये सारे एक्सरसाइज आपको काफ़ी फायदा देने वाले हैं। अगर आप रनिंग कर रहे हैं, आप कोई भी एथलीट, आप किसी भी गेम के एथलीट हो, आप ये सारे वर्कआउट कर सकते हैं। देखिए ये साइड्स रहेगा आपको, अब ये साइड्स में लगाना है। दोस्तों जनरल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हमारे पार्ट चलते रहेंगे, मतलब कि ये सीरीज रहेगी, कम से कम 5 से 7 वीडियो जनरल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के रहेंगे, जो कि आप रनिंग के पहले ये वर्कआउट कर रहे हैं, इनसे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो जनरल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के वर्कआउट है हमारे, ये आप देखिए। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को वॉच पूरा करें, ताकि आपको हर एक्सरसाइज के बारे में पता चले कैसे मूव कर रहा है हैंड, और आपको कैसे करना है एक्सरसाइज, इसकी फॉर्म आपको अच्छे से करेक्ट पता होना चाहिए, तभी आप सही से कर पाएंगे और उसका फ़ायदा आपको सही जगह पर होगा। ऐसे होल्ड करके रखें आप, ऐसे होल्ड करके रखें आप। नेक्स्ट वर्कआउट रहेगा आपका, देखिए काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन आपको करना है 16 टाइम ये वर्कआउट रहेगा आपका। इसमें आप देखिए ये जो एक्सरसाइज है इसका आपको बता देता हूँ, इसमें एंकल वर्क कर रहा है आपका, नी वर्क कर रहा है आपका, हैमस्ट्रिंग वर्क कर रही है आपकी, और शोल्डर्स तो कर ही रहा है आपका वर्क। तो ये एक्सरसाइज भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है, आपको ये एक्सरसाइज भी करना चाहिए। और ये एक्सरसाइज आपको ऐसे होल्ड करके रखना है, चेयर होल्ड करके रखना है, हैंड स्ट्रेट रहेंगे इसमें, तो ये भी एक्सरसाइज आपको इसके अंदर ऐड करना है। दोस्तों तो ये हुआ जनरल ट्रेनिंग के वर्कआउट, अगर आप भी करना चाहते हैं तो एक बार करके देखिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। सीरीज देखना ना भूलें, क्योंकि ये सीरीज का पहला वीडियो जनरल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, नेक्स्ट कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। जय हिंद।